आप सोचते होंगे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट बन जाऊं, साइंस में नई डिस्कवरीज कर लूं और कुछ पेटेंट मेरे नाम हो जाए तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूं। लेकिन क्या आपको निकोला टेस्ला की लाइफ के बारे में पता है? निकोला टेस्ला के नाम पर 300 पेटेंट थे और वे 9 लैंग्वेजेस बोल सकते थे। आज इतने सालों के बाद भी जितनी भी फैक्ट्रीज में काम हो रहा है, जितनी भी मोटर चल रही हैं, ये सब उन्हीं की बदौलत है। हमारे घर में बिजली उन्हीं की डिस्कवरी की वजह से आई है। लेकिन क्या आपको पता है कि 7 जनवरी 1943 में एक न्यूयॉर्कर होटल के स्टाफ में काम कर रही एक औरत ने होटल के रूम नंबर 3327 को खोला और उसके अंदर उन्हें 86 साल के बूढ़े आदमी की लाश मिली, और वो लाश निकोला टेस्ला की थी जो उस होटल में पिछले 9 सालों से रह रहे थे। निकोला के पास आखिरी दिनों में कुछ पैसे नहीं थे और वो काफ़ी टाइम से सिर्फ दूध और बिस्किट खाकर अपनी जान बचा रहे थे और हर रोज़ उस खाने में से भी कुछ खाना कबूतरों को खिला देते। अब मेन सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये होगा कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने तो खुद की एक कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार भी बनाई थी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में स्मिल्जन क्रोफिया में हुआ था। टेस्ला के फादर एक पुजारी थे जबकि माँ खेती का ख्याल रखती थी। टेस्ला के पेरेंट्स एक अच्छी फैमिली से थे। टेस्ला का एक बड़ा भाई था और 3 बहनें थीं। टेस्ला अपने बड़े भाई डेन के साथ बहुत खुश होकर रहते थे। उनके साथ पक्षी पकड़ते, मछलियाँ पकड़ते और बाकी गेम्स खेलते थे। और जब निकोला 7 साल के हुए तो निकोला के बड़े भाई डेन की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। निकोला अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं इस घटना को कभी भुला ही नहीं पाया। फिर टेस्ला की स्कूलिंग स्टार्ट हुई। टेस्ला पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने 9 से ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखी और वो हर सब्जेक्ट में A+ ग्रेड ले आते थे, फिर चाहे वो मशीनरी हो, फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो। सारे टीचर टेस्ला को बहुत अटेंशन देते थे। वो इतनी मेहनत करते थे कि उन्होंने 4 साल की स्कूलिंग 3 साल में पूरी कर ली। स्कूलिंग के बाद जब टेस्ला घर पहुंचे तो उन्हें कोलेरा नाम की बीमारी हो गई, जिससे उनकी मरने वाली हालत हो गई। टेस्ला के डैड को लगा कि वो मर सकते हैं और अपने बेटे की खुशी के लिए टेस्ला से कहा कि तुम जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो और मैं तुम्हें पुजारी बनने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। और आखिरकार टेस्ला कोलेरा से रिकवर हो गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पॉलिटेक्निक ज्वाइन करी। पॉलिटेक्निक में उनके साथ एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ। फिजिक्स की क्लास में उनके टीचर ने एक डायनेमो दिखाया जो DC यानी डायरेक्ट करंट से चलता था। तो उस टीचर ने क्लास में कहा कि ये देखो डायनेमो जो DC से चलता है। इस पर टेस्ला ने कहा कि हम DC की जगह AC यूज करें तो यह ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, जिस पर टीचर को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस डायनेमो में से कम्यूटेटर को हटा दिया जो AC को DC में कन्वर्ट करता था, जिससे उस डायनेमो ने काम करना बंद कर दिया। बाद में टीचर ने कहा देखो ये AC से नहीं चलता। इस इंसिडेंट के बाद टेस्ला ने अपना लाइफ मिशन ही बना लिया AC पर काम करने का, और उनकी पूरी लाइफ की मैक्सिमम डिस्कवरी इसी से रिलेटेड है। अपने कॉलेज के फाइनल ईयर तक आते आते टेस्ला स्टडी से बोर हो गए और उन्होंने जुआ, ताश वगैरह खेलना शुरू कर दिया और कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया। अपने फादर की डेथ के बाद उन्होंने ब्यूडापेस्ट अमेरिका टेलीफोन एक्सचेंज पर काम करना शुरू किया, जहाँ पर वो खंभों पर चढ़कर टेलीफोन लाइन्स को ठीक किया करते थे। टेस्ला इमेजिनेशन में काफ़ी अच्छे थे। वो कहते हैं कि पार्क में चलते चलते वह पूरी मशीन को इमेजिन कर लेते थे, मशीन का एक एक पार्ट, वो कैसे घूमेगी, कैसे काम करेगी आदि। एक दिन पार्क में चलते चलते उन्होंने एक फेमस कॉन्सेप्ट सोचा जो आजकल के हर इलेक्ट्रिक इंजीनियर को पता है, जिससे AC मशीन चलती है, और वो थी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस समय थॉमस एडिसन भी अपने बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके थे। उस वक्त एडिसन की एक कंपनी अमेरिका और पूरे यूरोप में अमीर लोगों के घर में अपनी TC इक्विपमेंट से लैंप लगवाती थी और रोशनी देती थी, जिससे वो काफ़ी पैसे कमा रहे थे। टेस्ला एडिसन को सेंट्रल स्टेशन में एक लेबोरेटरी में मिले और एडिसन ने टेस्ला को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। और टेस्ला को एडिसन के काम करने का तरीका बहुत ही अजीब सा लगता था, क्योंकि एडिसन हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर डिस्कवरी करते थे, जबकि टेस्ला को लगता था कि ये टाइम वेस्ट है। इस वक्त तक टेस्ला एक ऐसी इंडक्शन मोटर बना चुके थे और उन्होंने ये मोटर एडिसन को बेचने की सोची, लेकिन एडिसन को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। एडिसन ने टेस्ला से कहा कि अगर वो उनके इक्विपमेंट रीडिजाइन करके दें तो वो उन्हें $50,000 देंगे। टेस्ला ने कुछ ही दिनों में एडिसन के इक्विपमेंट को रीडिजाइन किया और एडिसन से अपने $50,000 मांगे, जिस पर एडिसन ने हंसते हुए कहा, क्या यार, ये एक अमेरिकन जोक था, तुम तो बहुत नासमझ हो, ये भी नहीं समझे। टेस्ला को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जल्द ही एडिसन की नौकरी छोड़ दी। टेस्ला की शराफत का 2 बिजनेसमैन ने फिर से फ़ायदा उठाया था। रॉबर्ट लेन और BA Weil की न्यू जर्सी में लाइटिंग की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी। इन दोनों बिजनेसमैन ने कहा कि टेस्ला इनकी लाइटिंग के प्रोजेक्ट में मदद करते हैं तो वो उनके नाम अपनी कंपनी के साथ जोड़ लेंगे और उन्हें अपनी कंपनी के शेयर भी देंगे। लेकिन टेस्ला ने इंसिस्ट किया कि
कि वो इस प्रोजेक्ट के बाद अपनी एसी मोटर को डेवलप करने में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जिस पर दोनों बिजनेसमैन मान गए। टेस्ला ने बहुत मेहनत करी थी जिससे उनका नाम मैगजीन में भी पब्लिश हुआ था। जैसे ही कुछ महीने में आर्क लाइटिंग का काम पूरा हुआ तो टेस्ला को कंपनी से निकाल दिया गया। दोबारा से टेस्ला के पास कुछ पैसे नहीं बचे। वो अपनी मशीन को बनाने में इतना बिजी हो जाते कि वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही भूल जाते। अनफॉर्चुनेटली उन्हें गड्ढे खोदने का काम करना पड़ा। वहाँ पर काम कर रहे फोरमैन ने देखा कि टेस्ला बहुत इंटेलिजेंट है और उन्होंने अपनी कंपनी के चीफ इंजीनियर अल्फ्रेड ब्राउन से मिलवाया। ब्राउन ने टेस्ला के मैगजीन आर्टिकल पढ़े थे और वो टेस्ला से बहुत इंप्रेस थे, इसलिए उन्होंने टेस्ला को एक बैंकर से मिलने को कहा जिनका नाम था चार्ल्स पेक। ब्राउन ने कहा टेस्ला पेक को इंप्रेस कर देंगे तो पेक उन्हें अपने काम के लिए फंडिंग दे सकते हैं। उस वक्त एक अंडे को सीधा खड़ा करना एक बहुत ही बड़ी स्किल मानी जाती थी और टेस्ला ने भी कुछ ऐसा ही किया। टेस्ला ने एक ब्रास का अंडा बनवाया और उसके पास अपने एसी सर्किट लगा दिए। जब उस एसी सर्किट में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोसेस की तो ब्रास का अंडा घूमने लगा और एकदम सीधा घूमता रहा। इससे पेक बहुत इम्प्रेस हुए और टेस्ला, पेक और ब्राउन तीनों ने मिलकर एक कंपनी खोली जिसका नाम दिया गया टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी। अगले 15 सालों में टेस्ला ने बहुत सी इन्वेंशन करी, बहुत काम पेटेंट करवाया। 1888 में टेस्ला ने एक स्पीच दी जिसका नाम था ए न्यू अल्टरनेटिव करंट मोटर, जिसमें उन्होंने पहली बार दुनिया को दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ लाइट के लिए ही नहीं बल्कि अप्लायंस और फैक्ट्रीज में मशीन के काम भी आ सकती है। ये लेक्चर बहुत ही फेमस हुआ। वेस्टिंग हाउस के एक इन्वेस्टर बहुत जल्दी टेस्ला से मिलने आए क्योंकि वे समझ गए थे कि टेस्ला बहुत बड़ी इन्वेंशन करने वाले हैं। वेस्टिंग हाउस में टेस्ला को कहा गया कि वो टेस्ला को $5,000 देंगे। टेस्ला और वेस्टिंग हाउस के इंजीनियर ने एसी मोटर के डिजाइन को इम्प्रूव करने के लिए काम करना शुरू किया। टेस्ला की अल्टरनेटिव करंट की तरक्की को देखकर एडिसन को बहुत गुस्सा आया और वो चाहते थे कि लोग उनकी कंपनी से डीसी इक्विपमेंट खरीदें, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक चेयर बनाई जिससे लोगों को करंट देकर मरवाया जा सके। उसके बाद उन्होंने विलियम केमलर नाम के एक अपराधी को चूज किया। उस अपराधी को वैसे भी मौत की सजा होनी थी क्योंकि उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था, इसलिए विलियम को इस चेयर का यूज करके मारा गया जिसमें अल्टरनेटिव करंट यूज किया गया था। पहले विलियम के मुंह से झाग निकले, उसके बाद उनकी बॉडी हार्ड हो गई। सब उसकी मौत को देखकर हैरान हो गए और उन सब लोगों को बताया गया कि इसे मारने के लिए अल्टरनेटिव करंट यूज किया गया है, इसलिए अल्टरनेटिव करंट बहुत खराब है। इसके बाद भी एडिसन नहीं रुके। उन्होंने 24 कुत्तों को एसी से टॉर्चर किया, एक घोड़े को एसी करंट देकर मार दिया और एक फीमेल एलिफेंट को भी करंट देकर मरवा दिया और उस पर एक शॉर्ट मूवी बनाई और सबको दिखाया कि अल्टरनेटिव करंट कितना खतरनाक है। लेकिन टेस्ला नहीं रुके, उन्होंने एसी की मोटर का डिजाइन पूरा किया। 1890 में टेस्ला को द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। उन्होंने बहुत सी डिस्कवरी करी। उन्होंने ऑसिलेटर बनाए जिसकी मदद से फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है, कंडेंसर बनाया, इलेक्ट्रिक मीटर बनाया और एक्सरे पर काम किया। टेस्ला पहले इंसान थे जिन्होंने बताया कि एक्सरे हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। टेस्ला ने यह भी दिखाया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को बिना तारों के भी ट्रांसफर किया जा सकता है। टेस्ला एक हाथ से हजारों वोल्टेज का तार पकड़ लेते और दूसरे हाथ से बल्ब, फिर वो बल्ब जलने लगता। लोग उन्हें पूछते कि उन्हें करंट क्यों नहीं लग रहा, जिस पर टेस्ला बोलते हैं कि उन्होंने एसी की फ्रीक्वेंसी को बहुत इंक्रीज किया हुआ है जिसकी वजह से करंट उनकी बॉडी से नहीं बल्कि उनकी स्किन से ट्रांसफर हो रहा है। इसे स्किन इफेक्ट भी बोलते हैं। टेस्ला अपने काम में इतना बिजी हो जाते कि वो अपनी इन्वेंशन को पेटेंट करवाना ही भूल जाते। लोग उन्हीं की टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ नया इवेंट कर देते, फॉर एग्जांपल रेडियो। मैक्रोनी, जिन्होंने सबसे पहले रेडियो का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया जबकि उसमें टेस्ला की बहुत सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। टेस्ला अपने बहुत से काम पेटेंट नहीं करवाए थे, इसलिए इस टेक्नोलॉजी के लिए उन्हें अपनी मौत के बाद क्रेडिट मिला। टेस्ला रेडियो तरंगों को वायरलेसली भेजने की बजाय पूरी बिजली को वायरलेसली भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रेडियो टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया। सब इन्वेस्टर को लगा कि रेडियो टेक्नोलॉजी में ज्यादा पैसे हैं, इसलिए टेस्ला की फंडिंग विथड्रॉ कर दी गई और वो दोबारा से ब्रोक हो गए और 86 साल की उम्र में वो गरीबी की हालत में मर गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि इतना ज्यादा ब्रिलियंट होने के बाद भी टेस्ला को बहुत बार लाइफ में गरीबी का सामना करना पड़ा और एंड उनका बहुत ही दुख भरा था। मैंने जनरली ये देखा है कि कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो अपने को फाइनेंशली सिक्योर करना ही भूल जाते हैं। इन सब जीनियस को दुनिया तब क्रेडिट देती है जब उनकी मौत हो जाती है, और तब इसका क्या फायदा। जैसे कि नायग्रा फॉल्स में हाइड्रोलिक पावर प्लांट बनाया गया जहाँ पर टेस्ला की बहुत सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वहाँ आज भी टेस्ला का स्टेचू लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी निकोला टेस्ला की स्टोरी। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन से साइंटिस्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेस्ला या एडिसन। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए
और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।